विषयान् राश्य भोगान् स्तविष्टान् पश्चाचन्यान् समर्पितवान् ज्योतिषाश्रेण सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि नहि स्वात्मनिष्ठापयित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगण पार्वशूनस्तुरीयः। मतलब घट रहा है कि नहीं घट रहा है, इसलिए आपको दृष्टांत में आपको हेतु और साध्य को बैठाना है। दृष्टांत दिया था स्वप्न पर, स्वप्न में दृश्यत्व हेतु भी है और मिथ्यात्व भी है, सभी बातें जानता है। उसके पीछे कई हेतु दिया एक एक करके कि यथार्थ स्थान नहीं है, यथार्थ काल नहीं है, संवादित प्रमाण नहीं है, कोई सहमति करने वाला नहीं है, अद्वंत वत वाला है और क्या प्रयोजन को मिटा नहीं पाता है, अभी मतलब संस्कार जन्म इसके साथ आदेशने के कारण मंत्र स्थायित्व अस्थायित्व अस्थायित्व को लेकर के हमने मिथ्यात्व सिद्ध नहीं किया। लंबा समय रहता है इसलिए सच है और दीर्घ समय नहीं रहता इसलिए इसके लिए नहीं किया। गणत्व परिच्छिन्नत्व आदि जो भी कुछ हेतु दिया यहाँ पर, अब जो है स्वप्न में उसको निश्चय करके दिखाने के बाद अब एक चीज़ होता है कि देखो आपने सारे को मिथ्या बोल दिया तो प्रश्न होता है कि गंगा जल सारा ही जब मिथ्य है और जो है मरुभूमि में दिखाई दे रहा जल एक सत्य और असत्य को विभाजन कैसे करें। तब दृष्टांत को देकर के समझाया, देखो चाहे अंदर की वस्तु दिखाई दे रही है मतलब अंतश्चित्तत्व है अथवा बहिश्चित्तत्व है, मतलब आपको अंदर का ही वस्तु इंद्रिय के माध्यम से बाहर आके दिखाई दे रहे हैं परंतु दृश्यत्व रूपी हेतु ग्राह्य ग्राह्यत्व भाव ग्राह्य ग्राहकत्व भाव दोनों एक समान होने के कारण इंद्रिय का सही होता है। स्वप्न में भी ऐसा होता है कुछ चीज़ हम अंदर देखते हैं और फिर जो है कुछ उसी का ही कुछ हिस्सा बाहर भी देखते हैं और उठ करके आप स्वयं निर्णय करते हैं कि दोनों ही मिथ्या है। ठीक इसी प्रकार जागृत काल में कोई वस्तु आपको सही रूप में बाहर दिखाई पड़ते हैं और कुछ अंदर दिखाई पड़ता है। मरुभूमि में जब आपको जल दिखाई दे रहा है उस समय जल कहाँ बैठा है? दिमाग में बैठा है ना, वहाँ पर तो बालू है, दिमाग में जल वहाँ पर हमने आरोप किया। इसी प्रकार से यहाँ पे भी चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो वहाँ पे क्या होता है उन्हें दोनों में जब दृश्य धर्म समान के कारण ये एक ही प्रकार की है, कोई भिन्नता नहीं है। तो जा स्वप्न अवस्था को अच्छी तरह से समझा करके आज हम लोग 10 नंबर से शुरू करेंगे नंबर 10। तो जो स्वप्न ने दिखाई दिया है इसको 10 में अतिदेश करते हैं ऐसा यहाँ भी है। तो दृष्टांतों को बोल करके उसको राष्ट्रांतिक में घटा रहे। दृष्टांत क्या था? स्वप्न। और राष्ट्रांत क्या है? जागना। ठीक है, वहाँ पे घटा करके दिखा रहे। तो देखिए यहाँ पे जाग्रत वृत्ता वी स्वंत चेतसाकल्पित बहिश्चेत गृहीत सत् बहिश्चेत गृहीत सत् युक्तं वैतत्थमेतयोः युक्तं वैतत्थमेतयोः जाग्रद्वृत्तावपि तृणतश्चेतसा कल्पितं त्वशः बहिश्चेनो गृहीतं सत् युक्तं वैतत्थमेतयोः। जैसा का स्वप्न है वैसे जाग्रद्वृत्तोऽपि जागृतकालीन वृत्ति में भी तू अंतश्चेतसा कल्पिता जो अंदर चित्त के अंदर कल्पित है वो तो तू असत, उसको तो असत मानते हैं। और बहिश्चेत भी तो बिल्कुल इस श्लोक के अंदर बिल्कुल एक ही प्रकार के हैं। केवल यहाँ पे पहला स्वप्न शब्द है स्वप्न, स्वप्न वृत्तावपी यहाँ पे क्या होता है जागृत वृत्तावपी। तो तू अंतश्चेतसा कल्पिता में तू अंतश्चेतसा कल्पिता तो असत्य है ना, वो अंदर कल्पित है बाहर नहीं दिखाई देगा। जागृत काल भी ऐसे ही
और बहिश्चेतक हेतम एक ही शब्द है सदृष्टम, यहाँ पे सद युक्तम, युक्तम वैतत वो सत होता है। इस प्रकार जागृत जागने के बाद चाहे आपका अंतश्चित्त होकर के दिखाई दे चाहे बहिश्चित्त होकर के दिखाई दे, दोनों ही मिथ्या है। जागने के बाद हम ही कहते हैं, तो इसके हमें बोलते हैं कि एक ही प्रकार के शब्द है और एक ही प्रकार के अर्थ भी है, केवल एक दृष्टांत में एक जगह भिन्नता कहाँ पे, स्वप्न और जागृत में। स्वप्न हो गया दृष्टांत, जागृत हो गया दृष्टांत, दृष्टांत और दृष्टांत। इसलिए हमें बोलते हैं कि जागृत वृत्त हुआ पितु अति दृष्टमात्र कर दिया, जैसे वहाँ पे वैसे यहाँ पे, ऐसे समझना चाहिए। मतलब कुछ हम जो है क्या करते हैं कि अंतश्चित्त से ग्रहण होते हैं, कुछ अंतश्चित्त में रह करके बाहर ग्रहण होते हैं, बस इतना ही है। मतलब जागने पर दोनों ही मिथ्या निश्चय करते हैं। यहाँ पे टीकाकार देखिए लिख रहे हैं दृष्टांतिक आह है ना, दृष्टांत तो शब्दों को समझा करके अब दृष्टांतिक जागृत है उसको कहते हैं। तो ये प्रतीक जो है मूल श्लोक के हैं, जागृत वृत्तु अभी जागृत कालीन वृत्ति में भी जो अंतश्चित कल्पित जो अंतर अंदर की वस्तु अंदर में प्रतीति हो कल्पना करते हैं उसको तो हम असत कहते हैं, और वहिश्चेतक भीतर जो बाहर वो जागृत का ही वस्तु इंद्रियों के माध्यम से बाहर रखकर जब सामने प्रतीति होती है तब उसको सत कहते हैं। इसीलिए दोनों को जैसे स्वप्न में जगने के बाद, स्वप्न के जगने के बाद दोनों को यह मिथ्या निश्चय करते हैं, इसी प्रकार अनादि माया निर्णय से जगने पर अब इन दोनों को भी मिथ्या निश्चय। यहाँ पे बोलते हैं सत असतयो वैतथम, भाष्य में सत असतो वैतथम युक्तम, चाहे सत्युग हो चाहे असत्युग हो दोनों ही मिथ्या है, ये कहना युक्तिसंगत है, ये कहना युक्तिसंगत है। क्यों? दृश्यत्व रूप हेतु समान होने के कारण, ग्राह्य ग्राहकत्व रूप हेतु समान होने के कारण सत असतो वैतथम युक्तम, सत और असत ये दोनों ही जो है यथार्थ मिथ्या है, ये कहना युक्तिसंगत है। तो टीकाकार बोलते हैं युक्तत्व हेतु मान है ना, ये युक्तिसंगत इसके पीछे हेतु क्या है, दोनों ही मतलब मिथ्या इस विषय में हेतु क्या, सत रूप में दिखाई दे चाहे असत रूप में दिखाई दे, मतलब अंतश्चित भीत हो या वहिश्चित भीत हो वो दोनों ही मिथ्या है, इसके पीछे हेतु क्या है, युक्तत्व हेतु बोलते हैं अंतर बहिश्चेत कल्पितत्व अविशेष, चाहे अंदर कल्पित हो चाहे बाहर कल्पित हो, कल्पितत्व रूप धर्म दोनों में समान होने के कारण दोनों ही मिथ्या है, ये हमको मानते हैं। ठीक है ना, सब अंतर बहिश्चेत कल्पितत्व अविशेष, एक चित्त के अंदर कल्पित हो रहा है और एक चित्त से बाहर रूप से दिखाई दे रहा है, इसलिए ये कल्पितत्व धर्म दोनों जगह समान रूप में, दृश्यत्व धर्म दोनों जगह समान रूप में बैठा के कारण यहाँ पे जो है दोनों ही मिथ्या है, ऐसा हम कहते हैं। इति बोल रहे हैं कि आगे बोलते हैं व्याख्यातम अन्न, इस श्लोक में जो पद आया हुआ है इसको मैं पहले श्लोक में व्याख्यान कर दिया, व्याख्यातम अन्न, इसीलिए यहाँ का और अलग करके हम अलग भी व्याख्या नहीं कर रहे, व्याख्यातम अन्न ठीक है, लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, सामान्य एक भी शब्द अधिक नहीं बोलते हैं, अन्य अन्य जगह में व्याख्या जो पहले श्लोक अन्न मतलब अन्न पद जो श्लोक में अन्न पद जो आया हुआ है ना, व्याख्यातम अन्न, अन्न पद का व्याख्यान हमने कर दिया, नौ नंबर कर दिए। तो कुछ बोलते हैं श्लोक टीका का लिखते हैं श्लोक स्थानाम अक्षरानाम व्याख्यानम अनपेक्षितम, श्लोक में आए हुए जो पद है उसकी व्याख्या फिर अपेक्षा नहीं रखता, श्लोक स्थानाम श्लोक में स्थित जो है अक्षरानाम तो पदानाम व्याख्यानम अनपेक्षितम उसका व्याख्यान अपेक्षा नहीं रखता, क्यों व्याख्या तो प्रायत्व वो सारा व्याख्या हो गया पहला श्लोक में, इसलिए आप इसको मन में रखते भगवान भाष्यकर बोलते हैं व्याख्यातम अन्न, बाकी जो पद आया हुआ है वो जो है व्याख्यान। अब जो यहाँ तक पढ़ने के बाद आपने सारा संसार को मिथ्या बताया, मतलब उनके मन में क्या बैठा हुआ है कि जो है कि दृष्टा भी मिथ्या है, दृश्य भी मिथ्या है, दृष्टा भी मिथ्या है, और दृश्य ज्ञान भी मिथ्या है, बोला ना कि रथ नहीं है वहाँ पे रथ का ज्ञान हो रहा है तो वो ज्ञान भी मिथ्या है और रथ भी मिथ्या है, तो उनका मन में ये बैठ गया तो जानने वाला भी मिथ्या है, सारा भी सोचेगा जब तुमने विषय को भी मिथ्या बोला, विषय के ज्ञान को भी मिथ्या बोला, तो ज्ञान जिसको वो भी नहीं है, ये बौद्धवादी लोग मानते हैं, वेदांत ऐसे नहीं मानते, कोई कहता है हम आत्मा को नहीं मानते हैं, ठीक है कोई बात नहीं आत्मा को नहीं मानते, ये जान करके बोल रहे हैं कि नहीं जान करके बोल रहे हैं, यदि नहीं जान के बोलते हो तब तुम्हारा बात प्रामाणिक नहीं है, यदि जान करके बोल रहे तो हम जो जानता है उसको हम आत्मा बोलते हैं, जो जान जो देखता है वो दृष्टा नहीं है, जो देखता है वो दृष्टा, हाँ वो मिथ्या है,
हाँ उपाधि दृष्टित्व में दृश्य के सापेक्ष में दृष्टित्व शब्द हम दृष्टा बोलते हैं, परंतु जब दृश्य मिथ्या हो गया तो दृष्टा रूप में जिसको कह रहे हैं वो मिथ्या नहीं, दृष्टित्व क्रिया मिथ्या है। इतना वो नहीं समझ पाया, वो नहीं समझ पाया कि बौद्धवादी ऐसा ही मानते हैं। देखिए अब दूसरी बात किया, जैसे हमारी वेदांतिक सिद्धांत के अनुसार वेद स्वतम शरत स्वतः प्रमाण वाले हैं, हम कोई कहता है स्वतः प्रमाण वाले हैं वेद, क्योंकि ये अपौरुषेय है। कोई कहते हैं कि अग्निहोत्र जाग करने से स्वर्ग जाता है, वेद ही कहते हैं। अब ये बात सच है कि झूठ है, ये शास्त्रों को माने वेद को मानने वाले प्रामाणिक मानने वाले को वो कहते हैं कि ये बात जब तक कोई दूसरा प्रमाण के द्वारा बाधित नहीं होता तब तक ये सच है। स्वतः प्रमाण वाले जो है हम क्या कहते हैं कि मतलब जो निष्ठम जाग करने वाले स्वर्ग जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब दूसरे किसी प्रमाण के द्वारा जब तक ये बाधित नहीं होता तब तक ये प्रामाणिक है, कोई निषेध नहीं कर सकता, ये स्वतः प्रमाण वेद। अच्छा, परंतु जब बौद्ध जैन लोग आ गया तो अथवा अन्य मतालंबी आ गया, कोई कहता है कि बौद्ध स्तूप की परिक्रमा करने स्वर्ग जाता है, कोई कहता है कि लास्ट ईयर ऑफ जजमेंट में जो निर्णय होता है तदनुकूल स्वर्ग मंडल होते हैं, कोई कहता है काफिर को मारने से स्वर्ग जाता है, ऐसे ऐसे अलग अलग बात जो अब इसके ऊपर संक्रमण शुरू हो गया। तो अब मतलब अग्निहोत्र जाग करके स्वर्ग जाता है, ये कैसे होगा, हमने विरोधी प्रमाण तो आ रहा है। अब हमारे तब बोलते हैं कि ये जो कौन सा प्रमाण को आप मान्यता देंगे, कौन सा प्रमाण को आप मान्यता देंगे, उस प्रमाण को मान्यता देंगे जो भ्रम प्रमाद और अर्थ विप्रलिप्सा के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं। क्या बोला, उस प्रमाण की प्रामाणिकता मान्यता होगा, मान्यता होगी प्रमाण की, क्या जब जब आप उस प्रमाण में कोई आपका भ्रम प्रमाद और अर्थ विप्रलिप्सा से जुड़ा हुआ नहीं हो। भ्रम मतलब नहीं जान करके बोलना, प्रमाद मतलब असावधान होकर के बोलना, और अर्थ विप्रलिप्सा मतलब अपने अर्थ को प्रतिष्ठा करने के लिए अर्थ विप्रलिप्सा 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 भी बोलते हैं, केवल विप्रलिप्सा मतलब हम जो चीज़ जानते हैं उसी को। मान लीजिए जैसे किसी पंडित जी को आपने बोला कि पूजा के लिए सामान जरा भी, क्या पूजा है, बोलता है लड़की की शादी है, तो कोई बात है, तो उसने हो सकता है कि मतलब एक पैर की पहनने वाला माता उनके होते हैं ना, अथवा क्या होता है ये भी लिख देंगे लिस्ट में, तो पूछे इसको क्यों लिखा, पूजा के क्या काम आता, बोलते लड़की की शादी है ना। अर्थ विप्रलिप्सा ही होता है, मतलब आवश्यक नहीं है परंतु हमको होने से अच्छा लगता है, अपने अभीष्ट वस्तु को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से भ्रम हमारा ज्ञान नहीं है फिर भी हम बोल रहे हैं, यथार्थ तो ज्ञान हमें नहीं है, हम फिर भी बोलते हैं प्रमाद होता है, क्या है कुछ ज्ञान है परंतु असावधान होकर के बोल रहे हैं। जिस प्रकार माननीय बौद्ध लोगों ने भी विचार किया, शास्त्र के ऊपर विचार किया, परंतु फिर ये जो मैं बोला ना कि हम बौद्ध क्या है विज्ञान बुद्धि तक ही माना है परंतु आत्मा को नहीं मानते हैं, तो हम उससे पूछते हैं कि तो आत्मा को नहीं मानते असावधान होकर के बोलते हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं कि नहीं आत्मा नहीं है, तब हमको हमको सीधा बोलना पड़ता है, ये जो तुम कहते हो कि आत्मा नहीं है जान करके बोल रहे हो, जान करके ये असावधान होकर के बोल रहे हैं। इस प्रकार से अब हमारे वेद अपौरुषेय है, किसी भी पुरुष प्रणीत ग्रंथ में ये तीन दोष रहता है, मतलब कहाँ पर आपको संशय होगा, संशय यदि भ्रम वाक्य होगा प्रमाद वाला वाक्य होगा अर्थ भी वहाँ पर संशय होगी, इसलिए पुरुष प्रणीत ग्रंथ में संशय होता है, परंतु अपौरुषीय वेद में ना भ्रम है ना प्रमाद है ना अर्थ भी प्रदर्शन, इसलिए इसको हम सनातन भी बोलते हैं। यहाँ भी पूर्व मीमांसा दर्शन के साथ हमारा थोड़ा भिन्नता है, सनातन मतलब चिरंतन। अब क्या होता है कि वो धर्म को चिरंतन मानते हैं वेदांती, अभी हम बोल रहे थे मतलब जो नास्तिक दर्शन को लेकर के, आस्तिक दर्शन में भी समस्या, कोई धर्म को नित्य मानते हैं, तो धर्म को नित्य मानते हैं और इसको सनातन बोलते हैं, बोलो तो क्या होता है कि जगत की प्रलय को नहीं मान पाते, हम तो विज्ञान की दृष्टि से प्रलय तो होता है, कुछ रहता है कोई नहीं रहता, और हम भी इसको मानते हैं। तो वेदांती बोलते हैं कि नहीं नहीं सनातन मतलब क्या है कि वेद की प्रतिपाद्य विषय सनातन है, वेद की प्रतिपद्य विषय क्या है आत्मा, और आत्मा नित्य सनातन है, इसीलिए उस दृष्टि से हम इसको सनातन, धर्म की दृष्टि से नहीं ज्ञान की दृष्टि से, ज्ञान नहीं, ठीक है ना। तो कौन सा ज्ञान, तो स्वरूप ज्ञान, विषय आत्मा ज्ञान का नित्य है,
अब इस प्रकार से अभी जो अभी तक आपने जो भी सिद्ध किया कि स्वप्न में दिखाई देने वाला वस्तु और दृष्टा दोनों मिथ्या है, क्योंकि गैर मिथ्या है वहाँ भी, किसी प्रकार जागृत को अपने मिथ्या सिद्ध कर दिया, तो आप जो है तो यानी कि इसका प्रतिपादन करने वाला कौन होगा यहाँ पे, इसका प्रतिपादन करना जानने वाला समझने वाला कौन होगा यहाँ पे, इसको लेकर के एक शंका उठा रहे और इसका उत्तर भी दे, यानी कि अगला जो नंबर 11 है, एक चीज़ हमारी और चीज़ ध्यान लेना, वेदांत पढ़ते पढ़ते अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा, जो चीज़ प्रमाण के द्वारा जाना जाता है वो मिथ्या, जो चीज़ प्रमाण के द्वारा जाना जाता है वो मिथ्या है, और जो चीज़ आपका प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता है वो असत्य है, और जिसमें प्रमाण का प्रवृत्ति नहीं होता वो सत्य, हरी झंझट वाला मामला है, ये क्योंकि अध्यास भाष्य से आपको स्पष्ट पता लगेगा ही, क्या बोला मैं, जो चीज प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, क्योंकि प्रमाण प्रमाता प्रमेय आदि सारा व्यवहार अध्यास ही होते हैं, अध्यास क्या होती है, प्रमाण से जो भी जाना जाता है वो क्या होता है, मिथ्या, क्या बोलेगा, मिथ्या, ठीक है, ये फर्स्ट। सेकेंड क्या होगा, प्रमाण के द्वारा जिसको नहीं जान सकते हैं, प्रमाण के द्वारा जिसको नहीं जान सकते असत्य है, और जहाँ पे प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती वो सत्य होता, प्रमाण के द्वारा जो जान नहीं सकते हैं जो असत्य है वो एक एग्जांपल है, प्रमाण के द्वारा जिसको हम प्रामाणिक रूप में नहीं बोला, मैंने हम अपने मन से बोल दिया कुछ असत्य वस्तु, जैसे वहाँ पे नदी, नदी के तीन में पांच फल रखा हुआ है, मैं प्रमाण के द्वारा नहीं बोल रहा हूँ, बिना जान की बोल रही, और प्रमाण के द्वारा जब किसी प्रमाण प्रतिपादन करते हैं, प्रमाण द्वारा जो नहीं जाना जाता है असत्य है या मिथ्या है, नहीं, प्रमाण के द्वारा जिसको जाना जाता है वो मिथ्या है, प्रमाण के द्वारा जिसको नहीं मतलब प्रमाण के द्वारा जिसको नहीं जाना जाता है उसको हो गया आपका, और जहाँ पे असत्य है, और जो जिसमें प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती, जिसमें प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती वो सत्य वस्तु है, जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध होगा वो मिथ्या होगा, जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं होगा, जो प्रमाण के द्वारा सिद्ध नहीं होगा वो असत्य है, वो असत्य है, ठीक है, और जो जहाँ पे प्रमाण की प्रवृत्ति होना ही संभव नहीं है वो पारमार्थिक सत्य है, इसको हम नहीं समझ पाते, फलत हम लगता है कि आत्मा नामक कोई वस्तु नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि आत्मा नामक कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं हो पाती होगी, हम हर एक चीज़ जो प्रमाण पाठ है प्रमाण के द्वारा जानना चाहते हैं, जितना हम प्रमाण के द्वारा जानने का कोशिश करेंगे वो सब अध्यक्ष आत्मा के ऊपर, ये मतलब हम ये सब प्रमाणों को आरोप करके मैं इससे जाना इससे सुना इस प्रकार से बोल रहा हूँ, सामान्य ये अध्यक्ष बात सोशल शायद कुछ नहीं बताया हमको, इसको ये अध्यक्षम तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए 11 नंबर जो श्लोक है ब्रह्मसूत्र भगवान शंकर जी के शुक्र में अध्यक्ष फिर भगवद गीता के गोपोद्घात भाष्य, इसमें जो है सब भगवान से भगवान शंकर जी अजात बात को लेकर क्यों बोलते हैं, बाकी व्यवहार जहाँ तक होगा प्रामाणिक प्रमाण से होगा वो पारमार्थिक सूत्र नहीं है। अब जो है देखिए कि शंका क्या हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये अगला श्लोक जो है शंका के रूप में आ रहा है, मतलब कोई अधिष्ठान नहीं है। अब देखिए बताइए कि आज कोई व्यक्ति जो है खाना खा के तृप्त हो गया तो कल भी बेचारा के जब भूख लगेगा तो वो खाना खाने बनाने के लिए प्रवृत्त हो, अब यदि जो कल खाना खाया था वो व्यक्ति आज नहीं रहता तो कभी खाना बनाने के लिए प्रवृत्त ही नहीं होगा, कोई एक स्थिर करता चाहिए, एक स्थिर करता चाहिए, परंतु बौद्ध दर्शन ये नहीं मानते है ना, इसको लेकर उनके पक्ष की शंका है कि आपने क्या बोला कि सर्वमिथ्यात्व प्रमात्ति प्रमाणादि व्यवहार अनुपत्या है ना, सब अगर मिथ्या होगा तो प्रमात्ति प्रमाणादि व्यवहार होना युक्ति संगत नहीं हो सकता, विरोध आपका सिद्धांत में विरोध है, प्रमाण प्रमाण आदि व्यवहार होता है, और हम क्या बोलते हैं जहाँ तक प्रमाण प्रमाण वाला व्यवहार होता है वो मिथ्या ही है, जो हमारे सिद्धांत है उसको नहीं समझ पाने को उसको शंका रूप में उठा रहे हैं, हमको अपने मन से नहीं बोला इसको, जो आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं
होते हैं क्या, सर्व मिथ्यत्व, सारा संसार मिथ्या है, यदि ऐसा सिद्ध करोगे सब मिथ्यत्व। प्रमातृ प्रमाणादि व्यवहार अनुभवत, क्या प्रमातृ प्रमाणादि व्यवहार होना युक्ति संगत नहीं होने के कारण आपका व्यवहारिक प्रत्यक्ष विरोध दिखाई देगा। विरोध विरोध हम आशंकते, विरोध को उठाते हैं। मत देखिए दो नंबर टिप्पणी में बोल रहे हैं, दो नंबर टिप्पणी में क्या लिखा है, पढ़िए। केवल प्रतीक में क्या लिखा है, अनुपपत्या विशेषम इति। ऊपर में क्या लिखा है, यहाँ से टिप्पणी आ रहा है, अनुपपत्या विरोधम आशंकते, विरोध विरोध विरोधम आशंकते, ठीक है। अनुपपत्ति के कारण जो विरोध हो रहा है उसको लेकर के शंका करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है दो नंबर टिप्पणी में अनुपपत्या विशेषम विरोधम विरोधम विशेषम, ओ हाथ से, हाँ, से मतलब कोई संशोधन किए कर दिए होंगे, विरोधम तो अनुपपत्या विरोधम, वहाँ पे विशेषम जो लिखा हुआ उसको संशोधन करें, क्या करेंगे उसको, ऊपर जो लिखा था विरोधम। अब ये अनुपपत्ति से विरोध क्या हो, प्रमात्रादि व्यवहार अन्यथा अनुपबन्ध सन सत्तत्वम आपादयति इति अर्थापत्ति विरोध, तो अर्थापत्ति प्रमाण से विरोध होगा। क्या अर्थापत्ति होना, प्रमात्रादि व्यवहार, प्रमाण प्रमात्र प्रमाणादि व्यवहार क्या होता है कि अन्यथा सत्तत्वम बिना प्रमाण प्रमात्रादि व्यवहार अनुपबन्धम, यदि कोई व्यक्ति को वहाँ पे मिथ्या है वो होता है तो उसको लेकर को प्रयोग भी नहीं करेगा, प्रवृत्ति भी नहीं होगा। हमारा तो सभी बैठा हुआ है कि हम प्रमाण के द्वारा वो जानते हैं वो सत्य होते हैं, इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं प्रमत्रादि व्यवहार, प्रमत्रादि मतलब रात्रि भोजनम बिना पिनत्तम अनुपन्नम, इसी प्रकार प्रमत्रादि व्यवहार सत्य प्रमत्रादि सत्यत्म बिना अथवा जगत सत्यत्म बिना व्यवहार अनुपन्नम, ऐसा कहना चाहिए, ठीक है तो लगता है। तो हम अभी क्या बोला कि प्रमाण के द्वारा जिसको जाना जाता है वो मिथ्या ही होगा, व्यवहारिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से। अभी तो हम पहले बोला मांडव को कारिका का है, मांडव को कारिका क्या है, अब पूरा ज्ञान को लेकर ज्ञान का प्रकरण है, पूरा कोई उपासना आदि कुछ नहीं है। यहाँ पर जो द्वितीय मंत्र आता है ना स्वयं आत्मा चतुष्पद, वो उपासना के लिए है। मैं पहले बोला था, देखिए अभी फिर बोल रहे हैं, पहले आपका क्या आया था अयम आत्मा ब्रह्म, ये उत्तम अधिकारी के लिए है, कि स्वयं आत्मा चतुष्पाद ये उपासना के लिए विचार के लिए है। अच्छा ये भी ज्ञान का, ये ज्ञान का ही है, जब आप उसको नहीं कर पाए तब आकर के ओंकार की मात्रा पादा पादा मतलब जो आठ नंबर मंत्र से आया हुआ है वहाँ पर वो उपासना केवल पहले नहीं उपासना, पहले पूरा ज्ञान है उत्तम अधिकारी अयम आत्मा ब्रह्म, उससे थोड़ा कम जो विचार अभी चाहिए, अभी विचार की अपेक्षा रखता है स्वयं आत्मा चतुष्पाद करके चार पाद पद्धति अनैन और पद्धति इति पाद, इस प्रकार विभाजन करके वहाँ पर दिखाया, और फिर आठवां मंत्र से लेकर के ओंकार मादा पादा मात्र माता पात्र पादा करके जो पकाया हुआ है ओंकार का अवलंबन में वो उपासना है चिंतन, वो भी वहाँ पे बोला कि उत्तम अधिकारी प्रणव प्रणव ओंकार उपासना से जो है मतलब वहाँ पे भी दो दिन का कैटेगरी दिखाया। अब यहाँ पे क्या बोला कि अनुपत्या विरोधम इति प्रमात्रादि व्यवहार अन्यथा अनुपन्न, ये प्रमाण प्रमात्रादि व्यवहार ये किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता है यदि हम इसको सत्यम नहीं माने, सत्यत्वम आपन मतलब सत्यत्वम बिना प्रमाण प्रमाण प्रमात्रादि व्यवहार अनुपन्नम, ये हो गया हमारे अर्थापत्ति प्रमाण, ठीक है ना। तो आपको सत्य मानने पर कहते हैं तो आपने तो सारा मिथ्या प्रमाण करते हैं, इसलिए पूर्ववादी शंका उठा रहे हैं, पूर्ववादी शंका उठा रहे हैं अनुपन्न इति अर्थापत्ति विरोध को उठा, यहाँ पे अर्थापत्ति के साथ विरोध हो जाता है, विरोध होते अर्थापत्ति प्रमाण के साथ विरोध आ रहा है, ये कहना चाहिए। इन्होंने बौद्ध लिखा बौद्ध ना बौद्ध नहीं लिखा बौद्ध लिखा है, बौद्ध ओ का मात्र नहीं है ओ का मात्र है बौद्ध लिखा है, विरोध बौद्ध समझना चाहिए। अब श्लोक को लिखे प्रतिक्रिया
कार्येतान बुध्यते भेदान कार्येतान बुध्यते भेदान ओवैतेषां विकल्पकः उभयोरपि वैतथ्यं भेदानां सारयोर्यदि कार्येतान बुध्यते भेदान ओवैतेषां विकल्पकः उभयोरपि वैतथ्यं अवस्था को दृश्य दृष्ट सबको अपने मिथ्या बना दिया भेदानाम स्थान योग्य है ना जो अलग अलग भिन्न करके दोनों स्थान में उस स्थान का और दोनों स्थान पर दिखाई दे रहा है भेद और वस्तु का सारा ही यदि तुम भिन्न मानते हो मतलब मिथ्या मानते हो इसको समझा लो क एतान बुद्धते क एतान भेदान बुद्धते जगत अलग स्वप्न अलग जगत के वस्तु रहती इसको कौन समझता है ये जानता है कि नहीं जानता है अतः वेदांत अपने सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए पूर्ववादी के रूप में बौद्धवादी के रूप में शंका उठा रही है इनको विज्ञान को मानता आत्मा को नहीं मानता बुद्धि तक मानते यहाँ पे बोलते हैं एतान भेदान क बुद्धते अच्छा एक जगह पे देखिए वो क है यहाँ पे को है कि क और को क्यों से हो गया एक जगह पे द्वितीय लाइन पे एतान भेदान बुद्धते और दूसरा बोलते हैं को वही तेषाम विकल्प यहाँ पे को हो गया पे क हो गया पहले वाले में कहा था वो ड्रॉप विसर्ग ड्रॉप हो गया अकार के बाद विसर्ग बाद में आपका ड्रॉप हो क्या सूत्र लगता है और यहाँ पे जो को हो गया यहाँ पे हंसी चल रही थी विसर्ग तो था आपका विसर्ग अकार के बाद विसर्ग था अब सब अंचल हंस पड़ता है सब जैसे ऊ हो गया ऊ का ओ हो गया क एतान बुद्धते भेदान एतान भेदान क बुद्धते इस पदार्थ की कौन जानता है मतलब यहाँ पे ये स्थूल वस्तु है सूक्ष्म वस्तु है अथवा ये सच है ये झूठ है कोई बात नहीं जानता कौन है जानता कौन और पूर्व इतेशाम विकल्प इसका विकल्प उठाना मतलब ये ऐसा है अथवा ऐसा हो सकता है ऐसा नहीं हो सकता है विकल्प में मैं नहीं बोला था ये जानने वाला कौन है पूर्व इतने इसका विकल्प करने वाला कौन है कोई है तुम्हारे पास स्थाई स्थिर करता कोई है हमेशा ध्यान रखना सत्य के ऊपर ही मिथ्या दिखाई पड़ती है अपरिवर्तनीय के ऊपर ही परिवर्तन दिखाई पड़ता है अगति के ऊपर ही गति दिखाई पड़ता है नहीं तो आपको गति समझ में नहीं आएगा तो अब यहाँ पे कोई एक हमारे पास एक सत्य तत्व है जिसके इसलिए स्वप्न मिथ्या है जागृत के सापेक्ष में जागृत मिथ्या है आत्मा के सापेक्ष में अब वो तत्व को हम मानते हैं और कोई बात यहाँ तक पहुँच नहीं पता मानते नहीं है तो इसलिए वेदांत के सिद्धांत को समझना ही कठिन है सिद्धांत को समझना ही कठिन है इसलिए आप बोलते हैं उभयोरपि वै तत्व भेदानां स्थानयोर् यदि कह एतान बुद्धते भेदान इन इन भेद भिन्नता को कौन समझते हैं और कहता को वही तेषाम विकल्प को यहाँ पे इसको जो है विकल्प करने वाला कौन है कल्पना करने वाला कौन कर्म कल्पना करने वाला कौन है ये सब का विसर्ग को भी विसर्ग और को यहाँ फर्क क्या है फर्क अर्थ तो एक ही है केवल मतलब व्याकरण की दृष्टि से एक जगह पे विसर्ग ड्रॉप हो गया एक जगह विसर्ग ऊकार होकर के ओ हो गया अर्थ एक ही है कहा किन शब्द का मैं मस्कुले समय नहीं मिला यहाँ पे ये बोल रहे हैं देखिए कि ये प्रश्न ये हमारा शंका करने वाले हो उसका उत्तर अगला श्लोक में देंगे यहाँ पे उत्तर नहीं है ये शंका इसे भगवान भाष्य का शुरू में लिखते चोदकस्य आह शंका करने वाला ऐसा शंकावादी ऐसा कहता है क्या कहता है चोदकस्य आह ये कहता है क्या स्वप्न जागृत स्थानयोर भेदानाम यदि वैतथ्यम स्वप्न स्थान के और जागृत स्थान में रहने वाली जो विषय वस्तु है भेद भिन्नता उस भिन्नता को भेदानाम यदि वैतथ्यम यदि मिथ्या है ना यदि मिथ्या क एतान अंतर बहिश्चेत कल्पितान बुद्ध थे कुछ मेरा अंदर कल्पित वस्तु है कुछ मेरा बाहर कल्पित वस्तु है बाहर दिखाई पड़ रहा है इसको कौन समझता है एक ऐसे
कोई अंतश्चित्त है, कोई वैश्चित्त है, तो ये अंतश्चित्त और वैश्चित्त को समझने वाले को, यदि ये आप यदि मतलब समझ करके बोल रहे हैं तो नहीं समझ करके बोल रहे हैं, यदि आप समझ करके बोल रहे हैं तो बता समझने वाला कौन है, और यदि नहीं समझ करके बोलते तो आपका बात प्रामाणिक नहीं है, आपका बात प्रामाणिक नहीं है, अर्थ भी मतलब आप प्रमाद अथवा भ्रांति से बोल रहे हैं, प्रमाद अथवा भ्रांति से बोल रहे हैं, इसलिए बताया स्वप्न जागृत स्थान यो स्वप्न और जागृत इन दोनों स्थान में भेदानाम मतलब भिन्न भिन्न भिन, भिन्नता दिखाई पड़ते हैं भावानाम, यदि वैतत्थम यदि सारा मिथ्या है कह एतान आप बताओ इसमें कौन है जो इन सभी को क्या इसमें से कुछ अंतश्चित्त है कोई वैश्चित्त है ये कौन समझता है, ये समझने वाला कौन है, तो समझने वाला हमेशा कोई चेतन तत्व का जड़ नहीं हो सकता, जड़ को समझा जाता है और चेतन समझने वाला है तो कौन इसको जानता है, ये तो मानते हैं, क्योंकि अन्यवाद देखिए मैंने दोनों पक्ष में आज ये करके बताया, बौद्धवादियों की जब तक नहीं आया था तब तक हम सतत प्रमाणवादी थे, अभी भी हम सतत प्रमाणवादी हैं, हम अपरत प्रमाण वाला तो नहीं आया, और मतलब ये जो भी हमारे वेद में कर्मकांड आपको आया है वो अपने आप में प्रमाणिक है, क्योंकि उसके विरोध करने वाला कोई पर अनन्यवादी जब आए हैं तब इसको कोई विरोध करने लगे, तब हमारे पास प्रश्न उठा जो तू यहाँ पे जो है कि भ्रम क्रांति से बोल रहे हैं कि प्रमाद से बोल रहे हैं अथवा अर्थ विप्रलिप्स के कारण बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी पुरुष प्रणीत ग्रंथ में ये तीन अनिवार्य है, पुरुष में ये दोष अनिवार्य है, कोई ना कोई दोष जरूर था, परंतु उनकी वाक की प्रामाणिकता और वेद की प्रामाणिकता में भिन्न है, इसलिए उसका नास्तिक दर्शन। अब हम वेदवादियों में भी कुछ भिन्नता है, वेदवादियों में क्या है कि पूर्व मीमांसा दर्शन से आत्मा तक नहीं पहुँच पाए, वो कर्म कांड की शक्ति तक, और उस वेद को अपौरुषेय माना, अपौरुषेय माना, अब वेद के अपौरुषेयता को सिद्ध करने के लिए उसने क्या किया, इनको धर्म तक ही समझ पाया, धर्म के पीछे तो धर्म धर्म से रहित तत्व है, अन्यत्र धर्मात्न्यत्र अधर्मात्न्यत्र तस्मत् पिता कृतात् अन्यत्र भूतच्च भव्यच्च यत् तत् पश्यसि तद्वत् पठोपनिषत् है, ये तत्व को समझ पाया, फर्क क्या हो गया, वो जो है वो धर्म को बचाने के लिए वेद के पौरुषत्व को बचाने के लिए सृष्टि को नित्य मान, परंतु वेदांति तो देखता है कि भाई हमारा तो यहाँ नित्य परिवर्तन हो रहा है, विनाश हो रहा है, तो इसलिए विज्ञान भी यही कहता है कि यानी कि उत्पत्ति स्थिति लय अनिवार्य है, तो फिर अपौरुष कैसे हो, तब किस दृष्टि से बोला अपौरुष, ज्ञान जैसे सुषुप्ति के समय में जो भी कुछ तुमने आज जाना अथवा पहले जाना था वो सारा तुम्हारे अंदर बीज रूप में लय प्राप्त, तुम जब जानते हो तो आप वही सत्य, यानी कि इसको सबको जानने वाला अंदर एक चेतन तत्व है, इसी प्रकार हमारे यहाँ पे तो ईश्वर तक भी हम मिथ्या बोलेंगे कि अजानबाद हमारे सिद्धांत कौन जो है, परंतु यदि आप सृष्टि स्थिति स्थिति को लेकर देखोगे तो ईश्वर में जाकर के सुषुप्ति का सब लय प्राप्त होता है, ज्ञान की लय नहीं, ईश्वर ज्ञान स्वरूप है, उसमें ज्ञान की लय नहीं होता, उस ज्ञान की दृष्टि से वेद सनातन है, आत्मा सनातन है, इसीलिए हम सनातनी है, हम सनातन धर्म के अनुयायी है, क्यों, क्योंकि हम सनातन तत्व को मान्यता देखे उसी के अनुसंधान में लगे हुए हैं, और उसके लिए कर्मकांड की आवश्यकता है, उसका हम निषेध नहीं करते हैं, क्योंकि अंतकरण शुद्ध हुए बिना आप आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, अंतकरण शुद्धि करने के लिए वर्ण और आश्रम कर्म के बिना कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, इसीलिए हम बोलते हैं कि स्वप्न जागृत स्थान योर भीतर मीमांसा जाने के लिए पूर्व मीमांसा की जाती है, जी चाहे इह जन्म में हो चाहे पूर्व जन्म में, उत्तर मीमांसा तक पहुंचने के लिए पूर्व मीमांसा के माध्यम से, तो वहाँ पे अब उस कर्मों का आप कैसे करेंगे, मैं पहले कई बार बताया आपको कि कई प्रकार के जीव है, उसमें अधिकतर जीव पामर जीव होता है, भोग की इच्छा करते हैं और अपनी मनमर्जी चलते हैं, तो शास्त्रों को कहते हैं कि तुम भोग इच्छा करते तुम्हें सब भोग मिलेगा, तुम सोच भी नहीं सकते जिस भोग की कल्पना उससे भी अच्छा भोग तुमको मिल जाए, तुम शास्त्र का अवलंबन करते चलो, इसलिए शास्त्र हर समय कर्म के साथ एक एक कर्मफल को भी देख करके कहते हैं, परंतु अभिप्राय कर्मफल में नहीं है, अभिप्राय निष्काम कर्म में, कुछ दिन में जब व्यक्ति को समझ में आ जाता है अरे कर्म कर काम जितना फल होगा वो तो अल्टीमेटली मेरे लिए दुखदायी हुआ, मैं सुख ढूंढने के लिए आनंद ढूंढने के लिए कर्म कर रहा था फिर मैं दुखी हो रहा हूँ, तब क्या है पीछे, तब धीरे धीरे व्यक्ति पामर से विमुक्ष विमुक्ष से मुमुक्ष मुमुक्ष जीवन मुक्त तक नहीं पहुँच सकते, कब अब यहाँ पे बोलते हैं को कोई तेषाम विकल्प कौन कौन उसको समझता है, और इसमें विकल्प करने वाला कौन है, मतलब ये भी हो सकते हैं ये हो सकता है, विकल्प मतलब क्या है कि वस्तु नहीं अपन को एक चेतन तत्व होगा, वस्तु नहीं अपन मन ही मन सोचता है,
मन ही मन सुस्त है, धन शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प। देखो वही तेषां विकल्प का कौन है, स्मृति ज्ञान। इससे क्या बोला यहाँ पे, एक स्मृति ज्ञान और ज्ञान, ज्ञान मतलब अनुभव ज्ञान, स्मृति और अनुभव ज्ञान का आलम्बन कौन है, किसको स्मृति होती है, किसको ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए स्मृति ज्ञान का आलम्बन इति अभिप्राय, इसका आलम्बन अधिष्ठान कौन है। नौचे यदि आप ये नहीं कह पाओगे तब तुम निरात्मवादी शून्यवादी में पहुँच जाओगे, शून्यवाद में पहुँच जाओगे, तो मतलब वेदांत बौद्ध बन जाओगे, तुम वेदांति नहीं जाओगे। इसे बोलते हैं नौचे निरात्मवाद इष्ट, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम निरात्मवाद को प्रतिपादन करना चाहते हो, ये तुम्हारा कहना है क्या। वहाँ पे देखिए एक नंबर टिप्पणी देखा है, आलम्बन अमिति आश्रय इति अर्थ, ठीक है ना, आलम्बन मत, इसका आश्रय कौन है, हम जो भी कुछ देखते हैं समझते हैं सारा मिथ्या मानते हैं, परंतु उसके ऊपर एक स्थिर आश्रय, उसके नीचे स्थिर आश्रय वो कभी कभी चयन नहीं करता, ये हमारी मान्यता, ये वेदांतिक मान्यता है। और इस चीज़ को समझ नहीं पाने के कारण कभी क्योंकि कि हमारे आस्तिक दर्शन में भी नास्तिक, इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमारा आस्तिक दर्शन, मैं मतलब हमारी परंपरा ये बोलते हैं ये कोई भी दर्शन अनुपयोगी नहीं है, इन दर्शनों की मदद लेकर ही हम जो है यहाँ तक पहुँच सकते हैं, आत्मा इस दर्शन की मदद लेकर हम यहाँ तक पहुँच। अब देखिए यहाँ पे भाष्य तो हो गया, भाष्य का केवल दो लाइन में छोड़ दिया, टीकाकार देखिए इसको कैसे विस्तृत करते हैं, सर्व मिथ्यत्व प्रमात्र प्रमाणादि व्यवहार अनुपपत्य विरोधम आशंकते, विरोध की शंका होता है उभयो, यानी कि ये सब श्लोक जो है प्रश्न करता है, मतलब पूर्ववादी के श्लोक है, ठीक है ना, पूर्ववादी बौद्ध बौद्धवादी श्लोक है, कर्ती करण कार्य व्यवस्था अनुपपत्य अपि विरोध अस्ति इति आह, है ना, इसको जानने वाला कौन है, किससे जाना, अभी के जो कर्म फल, ये सारा व्यवस्था अनुपत्य युक्तिहीन हो जाएगा, यदि इन सबको देख करके एक तो कर्म कर्म जय फल देने वाला, कर्म कर्म जय फल प्राप्त करने वाला, फिर अंतिम अंतकरण शुद्ध का अधिष्ठान तत्व को जानना, कोई एक चेतन तत्व यदि पीछे ना हो ये सारा जन्म व्यवहार होना संभव नहीं होगा, युक्तिहीन हो जाएगा। कर्तिकरण कर्तृत्व रूप में व्यवहार, करण इंद्रियों का द्वारा व्यवहार और कार्य उससे क्रिया हो रहा है, ये व्यवस्था अनुपत्ति है, कर्ता करण कार्य तीन चीज बोला वहाँ पे, ठीक है ना, एक होगा करने वाला, एक कोई करण चाहिए करने के लिए अदृष्ट को संपादन करने, इस प्रकार जो व्यवस्था बना हुआ है पेन बना हुआ है वो अनुपत्य भी वो युक्तिसंगत नहीं होने के कारण से भी आपका सिद्धांत में विरोध है, आपका सिद्धांत में विरोध है, क्योंकि हमें तो भेद में ही व्यवहार होता है, एकत्र में व्यवहार नहीं होता और सारा व्यवहार से सिद्ध होता है, इसीलिए जो है आपका सिद्धांत ही विरोध को सिद्धांत ही विरोध होगा। यह तो बोलते हैं को इतको कतान बुद्ध दे वेदांत है जो प्रतीक है ना, को बा मतलब को वही तेषां विकल्प, श्लोक की चतुर्थ पाद है वो भी यहाँ पे इसके ऊपर ले गए, श्लोक की चतुर्थ पाद मतलब प्रतीक के रूप में, विकल्प का मतलब है निर्माता इति जाता है, कौन इसको निर्माण, आप कोई भी चीज़ देखिए, कोई व्यक्ति किसी चीज़ को निर्माण करना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे का वो सामान्य व्यक्ति मकान निर्माण चाहे चाहे कुमार घर निर्माण करे, पहले तत्संबंधित चिंतन को मानना है, तत्संबंधित बोध आएगा, तब जा करके वो उसके बाद एक के बाद एक स्टेप कर रहे हैं, यानी कि कोई एक चेतन तत्व तो चाहिए जो इसको सोच सकते हैं, जो विकल्प मान इसका निर्माता, इसको चिंतन करने वाला कौन है, जैसे अगर ये भेद है कि भेद नहीं है, इसको चिंतन करने वाला भेद रूप में गतिविधि वाला, इसको चिंतन करने वाला, ये तो पता यदि नहीं होगा तो तुम्हारे बाप को अप्रमाणिक हो जाएगा, विकल्प को निर्माता इति जागृति, अच्छा विकल्प कर्तृक को भी जिसमें मतलब इसका निर्माण करने वाला, श्लोक चौदह परतम प्रतिज्ञानित, ये श्लोक जो है पूर्ववादी की शंका को उठाने के लिए ऐसे प्रतिज्ञा करते हैं भगवान से, है ना, श्लोक ये 11 नंबर श्लोक चौदह परतम मतलब शंका का बोधक, चौदह परतम शंका का बोधक है, मतलब ये शंका पूर्ववादी के पक्ष में ये श्लोक लिखा गया प्रतिज्ञानित, ऐसा प्रतिज्ञा करके मैं भक्सों का दिखाना चाहता हूँ, प्रतिज्ञानित क्या बोलते हैं, चौदह अहो शंका करने वाला ऐसा कहता है, क्या कहते हैं आगे देखिए, अक्षर योजनाया प्रथम अर्थापत्ति विरुद्धम स्फोरयति, अक्षर को अन्वय करते हुए यहाँ पे अर्थापत्ति विरोध है, क्या स्वप्न जागृतयोर वेदानाम यदि वैतर्थम क एतान बहिष्, क एतान अंतर्बहिश्च
कल्पितान बुद्धते, ठीक है ना। मतलब यह जागृत और स्वप्न के व्यवहार की सत्यत्व के बिना अथवा कोई एक सत्य जानने वाले के बिना यहाँ पे आप ये मिथ्या ये निश्चय नहीं कर सकते। अर्थात एक शुद्ध चेतन जानने वाला जो इस दृश्य कोटि से भिन्न उसको अस्तित्व माने बिना आप इसको प्रमाणिक नहीं कर सकते होते। तो मंत्री ये सिद्ध होते अक्षर योजनाया अक्षर को अन्याय करते प्रथम अर्थापत्ति विरुद्ध छोड़िए। अर्थापत्ति नीचे दो नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे दो नंबर टिप्पणी है, इधर में पहले दिया था, पहले लाइन में दो नंबर दिया अनुपत्या उसी को अर्थापत्ति का रूप दिखाई यहाँ पे अनुपत्ता। उसी प्रमात्रादि व्यवहार अन्न था अनुपत्ता, मतलब सत्यत्व बिना प्रमात्र प्रमात्रादि व्यवहार अनुपन्न अनुपन्न, ठीक है। इसलिए सत्यत्वम आपादयति इति अर्थ, ये विपरीत अर्थ है। ये अक्षर योजनाया प्रथम अर्थापत्ति विरुद्ध स्फोरयति स्वप्न जागृत स्थानियों भेदान यदि वैदत्त, मतलब यदि ऐसा होगा तो आपको बाहर ये बाहरी वस्तु है अंदरी वस्तु कौन जानेगी, यानी कि उसको जानने वाला कोई सत्य तथ्य आपको मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। इस अभिप्राय से बोल रहे अब यह चतुर्थ पाद अवतार्य अर्थापत्ति अंतर विरोधम स्फुटयति, है ना। चतुर्थ पाद में कहते को वही तेषां विकल्प, तो एक तरह का हम कहते हैं निर्माता जानने वाला अजान करके निर्माण करते हैं, इसलिए जो कोई एक निर्माण करने वाला भी चाहिए इसलिए आप बोलते हैं चतुर्थ पादम अवतारी, चतुर्थ पाद को अवतरित करते हुए वो वहाँ पे आएगा कि अर्थापत्ति अंत दुष्ट है अर्थापत्ति विरोधम स्फुट है, तो अर्थापत्ति विरोध को स्पष्ट करता है को वही तेषाम विकल्प का हास्य में जो सेकंड लाइन छोटा सा लिखा हुआ उस चतुर्थ पाद को सीधा उठाने की प्रतिज्ञा में रहना है। तो क्या हो गया, एक जानना और जान करके उसको निर्माण करना, विकल्प वहाँ पे विकल्प का अर्थ क्या करते हैं, विकल्प का मतलब निर्माता, है ना। तो जानने वाला भी चेतन होना चाहिए और कोई निर्माण करने वाला भी चेतन तत्व होना चाहिए। इसलिए तो हमारे ब्रह्म सूत्र में जो पांचवा सूत्र प्रथम अध्याय की जो पांचवा सूत्र आता है, पहले आपको क्या दिया अर्थात उसके बाद सब जन्मादस्य शास्त्र योगत्व तत्व समन्वय, इसके द्वारा क्या ये चार अधिकरण के द्वारा ब्रह्म के अस्तित्व को सिद्ध होता है। चार अधिकरण के द्वारा ब्रह्म नामक कोई वस्तु का अस्तित्व सिद्ध नहीं है। अब क्या उसके अंदर को चेतन है और वो अनंत स्वरूप है, इसके लिए इक्षत जो इक्षतेरना शब्द है ना, वहाँ पे इक्षण के कथन होने के कारण मतलब जड़ कोई तत्व चित्त मतलब जगत की कर्ता नहीं हो सकता, अशब्द उसके बारे में कथन नहीं किया गया इक्षते, क्योंकि वहाँ पे इक्षण का कथन जड़ की जड़ कर्ता नहीं हो सकता। इसी प्रकार यहाँ पे जो है बोल रहे हैं कि चतुर्थ पादम अवतारी, चतुर्थ पाद का अवतरण करते हुए मतलब वो वैद्य शंस का विकल्प निर्माता, मतलब एक जानने वाला और जान करके निर्माण करने वाला कोई एक चेतन तत्व, ईश्वर की सत्ता सिद्ध हो जाएगी जब हम उसको निर्माणक रूप में मानेंगे। अब जब निर्माण का व्यवहार विवर्तन में निर्माण मानेंगे तब अलग तत्व बदल सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए भी देखिए ईश्वर को मान्यता देने में हमें असुविधा नहीं है, परंतु पारमार्थिक सत्यता को भी नहीं, हिरण्यगर्भ बोलो ईश्वर बोलो विराट बोलो, तो उसके द्वारा हमको समझा के आया, उसको द्वारा हमने समझा के आया। समझाने के बाद क्या किया, अकार अकार उकार मकार तक भी हमने लोप कर दिया, अकार का लोप हो गया, ईश्वर भी गया, शुद्ध चेतन व्यापक तत्व यहाँ पे बोल रहे हैं वो वही दिशा विकल्प। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि देखो कर्ता ही पूर्व अनुभूतं स्मृत्वा तत् जातियां निर्मिमीते, ठीक है। ये हम भगवान भाष्य करो ना, स्मृति और ज्ञान, आपको किसी वस्तु का स्मरण होगा अब तक पहले कोई ज्ञान स्मरण अस्मरण के बाद आप उसको जो है बनाते हैं उसका ज्ञान, मतलब सामने देखते हैं अथवा आप क्या होता है किसी ज्ञान से स्मरण अस्मरण से आपके स्मरण से ज्ञान। कोई वस्तु हमारे हमने कहीं पर कोई मकान देखा था, अब हम अपने आप एक मकान बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहले आप एक मकान का सामान्य ढांचा बन दो उसको स्मरण में आएगा, फिर हम उसको ऊपर मॉडिफाई करके नया जैसा बनाएंगे, फिर नया गान बन दो फिर उसी प्रकार से उसी का स्मरण होगा फिर उसका और मॉडिफाई, इसी प्रकार से पूरा डेवलपमेंट में इसी प्रकार से होगा, सारा साइंटिफिक डेवलपमेंट जो भी कुछ हो रहा है इसी प्रकार से हो रहा है। उसमें भी मकान कौन जैसे बना जो पहला मकान बनाया, ये जो है बीज अंकुर न्याय के द्वारा अंत कर इसको पहले इसको लेकर निकाल पर संस्कार आ रहा है और इसलिए आपको मानना पड़ेगा। मैं पैर हमेशा बोलता हूँ इसको लेकर के विचार करने से लाभ नहीं है, परंतु सृष्टि एक चक्र है, एक सर्किल को आपने डीपली आपने बना लिया
अब उस सर्कल कहाँ से बिगिनिंग हुआ था वो आप लोग वो मिलना मुश्किल होता है। इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं करता ही, टीकाकरण बोलते हैं करता ही पूर्व अनुभूतम स्मृत्वा, कोई भी करता उसको चेतन तत्व मतलब पहले जो उसका अनुभव में हुआ था उसको स्मरण करके तब जातियान उस प्रकार की वस्तु को निर्मित उसको निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तेन इस कारण से स्मृति अनुभव आश्रया, इससे क्या हो गया एक स्मृति और इसका अनुभव था जो वो एक स्मृति और अनुभव के कोई एक आश्रय है, स्मृति और अनुभव के कोई एक आश्रय है। इसलिए बोलते हैं तेना स्मृति अनुभव आश्रय आक्षेपेण, उसका आक्षेप करता कोई एक कर्ता हो जाए आक्षेप कर्ता आक्षेप विवक्षण, यानी कि कोई एक चेतन तत्व है ये विवक्षण। अब ये जो कर्ता शब्द के द्वारा बोला जा रहा है क्योंकि हमको शब्द प्रयोग करने के लिए वो है एक कोई एक तत्व, परंतु उसमें हम कर्तृत्व भोक्तृत्व आरोप करके बोलते हैं, परंतु पहले आप कर्तृत्व भोक्तृत्व आरोप करके बोलिए, परंतु उसमें वास्तविक कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, परंतु आपको बोलना पड़ेगा बोल ये कर्ता हिरण्यगर्भ को ना ना ईश्वर ईश्वर की मानना पड़ेगा कि कर्ता ही पूर्व अनुभूतम स्मृत्वा, ये कर्ता अपने पूर्व अनुभूत पूर्व कल्प में सृष्टि कैसी थी वो जो है कोई जान करके अब तक जाती है जिस प्रकार की सृष्टि छोड़ जाए चंद्रमा से उधाता यथा पूर्व कल्प है, ठीक है ना, जैसे पूर्व कल्प है वैसे बनाए हैं तेन इस कारण से स्मृति अनुभव आश्रय आक्षेप, यानी कि स्मृति और अनुभव के आश्रय कर्ता आक्षेप यानी कि कोई एक चेतन तत्व करता है ये है विवक्षित। तथा च कर्ता भी व्यवहार अनुभव, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो क्या हो जाएगा कि कर्ता कर्म करण प्रमाता प्रमेय प्रमाण इस प्रकार व्यवहार युक्ति संगत नहीं हो सकता, व्यवहार अनुपत्ति सर्वमिथ्यत्व दुर्बल, इसके सब यदि मिथ्या मान लोगे तो क्या हो जाएगा व्यवहार ही होना संभव नहीं होगा दुर्बल, ठीक है, सर्वमिथ्यत्व व्यवहार दुर्बल है ना, यदि सब मिथ्या हो जाएगा व्यवहार तो व्यवहार अनुपत्ति सर्वमिथ्यत्व दुर्बल, व्यवहार अनुपत्ति हो जाएगा ये पूर्ववर्ती कहना चाहिए। तीन नंबर है चार नंबर टिप्पणी दिखाई पड़ रही है इसके ऊपर तीन के ऊपर तीन मतलब स्मृति अनुभव आश्रयस्य एव निर्मातृत्वेन, है ना, निर्माण कौन करता है पूर्वाग्रित्व का स्मरण किया और उसका ज्ञान हुआ उनको ये वस्तु है तो फल देखे वो एक अपना अभिष्ट वस्तु का निर्माण करते हैं, यानी कि कोई एक चेतन अधिष्ठाता है जो स्मरण करने में समर्थ है, इक्षण करने में समर्थ है, विजय करने में समर्थ है, वो चेतन तत्व एक है। इसको वहाँ पे क्यों भाष्य में नहीं लिखा, वहाँ पे स्मृति ज्ञान और का आलम बना भाष्य में नहीं लिखा, उसी को तो व्याख्या कर रहे हैं आप, उसी को तो व्याख्या कर रहे हैं आप कि कर्ता ही पूर्व अनुभूतम स्मृत्ता तद जातिया निर्मित तेन स्मृति अनुभव करते स्मृति ज्ञान ज्ञान अनुभवात्मक ज्ञान कहते हैं ये अष्ट कोई इसका आक्षेप करता है कौन करता है ये इसका आक्षेप करके क्योंकि कोई एक चेतन तत्व के बिना ये सिद्ध ही नहीं हो सकता है, इसलिए तुमको मानना पड़ेगा कोई एक सत्य वस्तु है मिथ्या सब मिथ्या नहीं है, कोई एक सत्य वस्तु ये नहीं तो हमारा कहना ही है एक सत्य वस्तु मानना ही पड़ेगा तुमको, इसीलिए हमें बोलते हैं आक्षेप न कर्ता आक्षेप विवक्ष तथा च कर्ता दि व्यवहार अनुपत्ति, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो कर्ता कर्म करण प्रमाता प्रमाण प्रमेय इस प्रकार व्यवहार युक्तिहीन होने के कारण युक्तिहीन हो जाएगा सर्व मिथ्यात्ते, यदि सब यदि मिथ्या मानोगे तो इसका विपरीत करते हैं। महाराज ये कौन बोल रहे हैं पूर्ववादी न सिद्धांतवादी, पूर्ववादी बोल रहे हैं कि पूरा श्लोक पूर्ववादी के पक्ष में है, इसका सारा व्याख्यान पूर्ववादी के पक्ष में है, सारा व्याख्यान पूर्ववादी के पक्ष में है, परंतु पूर्ववादी जो बोल रहे हैं वो हमारे पक्ष में ही बोल रहे हैं, मतलब जो हम कहना चाहते हैं इसके द्वारा जो हम सिद्ध करना चाह रहे हैं वो शंका रूप में उठाया, क्योंकि हमेशा देखना है एक शंका के रूप में उठा करके उसका निराकरण के रूप में श्लोक आ रहे हैं, तो इस अगला श्लोक के द्वारा जिस शंका को निराकरण करना चाहते उसके श्लोक में दिखाया, अगला श्लोक के द्वारा 12 नंबर श्लोक के द्वारा जिस शंका को निराकरण करना चाहते हैं सिद्धांत उस शंका में यहाँ पे उठाया गया। चार नंबर टिप्पणी होता है आक्षेप मतलब निषेध अभिप्राय प्रश्न इति अर्थ है ना, मतलब आक्षेप आक्षेप क्या करते हैं कि जो तुम आइए निषेध मतलब इसके बिना हो नहीं सकता, इसलिए आपको मानना भी प्रश्न तो कौन है वहाँ पे तुम तो सारा मिथ्या मान लिया तो प्रश्न मतलब ये कहते हैं निषेध अभिप्राय ना, तुम जो बोला कि यहाँ पे कोई नहीं है कोई होना चाहिए वहाँ पे आक्षेप मतलब क्या है संस्कृत आक्षेप मतलब कि तुम क्या बोलेंगे आपको ये कैसे हो सकता है आक्षेप पता तुमने ऐसे कैसे कहा एक प्रश्न है, हाँ प्रश्न इसे बोलते हैं कि निषेध अभिप्राय प्रश्न
मतलब निषेध अभिप्राय रखते मन में आक्षेप, अपने आप लिखते आक्षेप यदि निषेध अभिप्राय प्रक्षण, ये आक्षेप उठाए हम ऐसे कैसे बोल सकते, ऐसे कैसे बोल सकते, क्यों बोल रहे हैं, ये आक्षेप है, इस प्रकार से बोलते हैं। अच्छा आगे और बोलते हैं, यो अध्यात्म प्रमाता, अब देखिए ये और बड़ा एक भयंकर झटका लगने वाला है, जो अध्यात्म प्रमाता जस अधिदेव कर्ता ईश्वर तो उभौ अपनी मिथ्या इति अंगीकारा प्रमात्रादि असत्यम इति आशंक आह न चेत, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो निरात्मवाद। तो देखिए वो पूर्वादि बोल रहे हैं, जो अध्यात्म प्रमाता, आपने क्या बोला कि जीव ब्रह्म ही गुना पर जो अध्यात्म में प्रमाता रूप में दिखाई पड़े और आदिदैविक में जो ईश्वर है दोनों एक ही है, यानी कि यदि प्रमाता भी मिथ्या है तो ईश्वर भी मिथ्या होगा, मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने यदि ये और ये वस्तु दोनों यदि ये और ये है ना, जो ये है वो यही है, तो आपने इसको मिथ्या बोल दिया, तब क्या हो जाएगा, ये भी मिथ्या हो जाएगा। इसलिए हमें बोलते हैं जो अध्यात्म प्रमाता जो अपने में अध्यात्म में अधिमात्म प्रमाता रूप में समझ में आता है, जस्य अधिदैव कर्ता जो अधिदैवी को पूरा सृष्टि करता है ईश्वर, तो उद्भव की ओर दोनों मिथ्या इति अंगीकारा, ये उनमें अभी बड़ा सारा मिथ्या है, इसलिए अंगीकार होने से कि प्रमात्रादि असत्यम इति आशंका, यानी कि मिथ्या मतलब ये चीज गड़बड़ हो गया, मानना बोला अभी तक तो ठीक बोल रहा था, मतलब मिथ्या मतलब असत नहीं है, प्रमात्रादि यहाँ पे गड़बड़ करती है, छोटा सा भिन्न शब्द देखो क्या लिखा पूर्ववादी के, और यही मान रहा है मिथ्या और असत एक वस्तु नहीं है, हम मिथ्या बोलते हैं हम असत नहीं बोलते हैं, प्रमात्रित्व मिथ्या ईश्वरत्व मिथ्या का असत नहीं है, वो वहाँ पे अधिष्ठान तत्व सत्य है, ठीक है ना। इसलिए हमें देखो क्या बोलते हैं, यदि प्रमाता अच्छा जस्व अध्यात्म प्रमाता जस अधिदेव कर्ते ईश्वर तो उभौपि मिथ्या इति अंगीकारा प्रमात्रादि असत्यम इति आशंका न छेद, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो निरात्मवाद आ जाएगा, इसलिए इसको समझ, यदि प्रमाता कर्ता वा न इष्यति तरी नैरात्म इष्टम एव आपद्यति। यहाँ पे केवल इस टाइम पे ये ध्यान दीजिए कि वो क्या बोलते हैं, अध्यात्म प्रमाता अधिदेव कर्ता तो उभौ मिथ्या इति अंगीकारा, हमने मिथ्या अंगीकार किया तो और उसका निष्कर्ष वो क्या निकाल रहा है कि प्रमात्रादि असत्य, मिथ्यात्व और असत्य एक नहीं है, प्रमात्रादि असत वस्तु हो गया, हमने प्रमात्रादि के कोई एक वस्तु के ऊपर प्रमात्रित्व आपको प्रतीति हो रही है, वो वस्तु नहीं है, ये हम नहीं कर, ये यहाँ पे इतना हिस्सा में गलती कर दी, इसलिए बोलते हैं इसको सुनकर रखन करके नैरात्म मात्र असत्यमिति आशंका न चेत, यदि प्रमाता कर्ता वा न इष्यते, यदि आप प्रमाता को मानते नहीं हो कर्ता को नहीं मानते तरी नैरात्मवाद हम इष्ट में वाप दे, तो आप नैरात्मवाद को मानते हो, मतलब आत्मा है ही नहीं, ऐसा तुम्हारा अभिष्ट है क्या, बोलते नहीं नहीं ये हमारा अभिष्ट है, अगला श्लोक में बोले थे न च तक आदि न च तक इष्टों इष्टों धातु से इष्टु तुम प्रत्यय शक्य थे आत्मनिराकरण से दुष्कर्त आत्म न चेत दृश न चेत इष्टु न च तद इष्टु शक्यते आत्मनिराकरणस्य दुष्करत्वा निराकर्तुर एव आत्मत्वात् इति अर्थ। अब जो है यहाँ पर क्या बोलते हैं, न च तद इष्टु शक्यते, तुम ये नहीं कह सकते हो नैरात्मवाद हमारा इष्ट है, नैरात्मवाद हमारा इष्ट है ये तुम नहीं कह सकते हो, क्यों नहीं कह सकते हो, आत्मनिराकरण किसको कोई जाना कि नहीं जाना, आत्मा नहीं है कोई बात नहीं, आत्मा आत्मा तो मैं ये जान करके बोल रहा है कि नहीं जान करके बोल रहे हैं, क्योंकि वो शरीर को आत्मा मानता है, शरीर से भिन्न कोई आत्मा नहीं ये कहता है, ठीक है ना, तब उससे पूछो कि तुम आप जान करके बोल रहे हो कि नहीं जान करके बोल, क्या बोलेगा, मैं जान करके बोल, बस बस ये जो जानने वाला है ना, हम शरीर को आत्मा नहीं बोलते हैं, जो जानने वाला उसी को हम आत्मा बोलते हैं, इसलिए आत्मा का निराकरण हो ही नहीं सकता, आत्मा का निराकरण हो नहीं सकता, न च तद इष्ट शक्यते उसको जो है हमारा इष्ट है ये हमारा इष्टापत्ति है ऐसा आप नहीं कह सकते हैं, क्यों, आत्मनिराकरण से आत्मा को मान निराकरण करना निषेध करना दुष्करत्वा उसको होना संभव नहीं है, क्यों, क्यों निराकर्तुर एव आत्मत्ता निराकरण करने वाला का जो जो निराकरण कर रहे हैं उसका स्वरूप होकर के बैठा हुआ है, निराकरण करने वाला कोई कहता है कि मेरी जीव नहीं है, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे, बात कर लो, आप ये नहीं कहेंगे मुंह खोलो देखा था हूँ है कि नहीं है, अरे तू जब बोला उसी से सिद्ध हो जाता है तेरा जीव, इसी प्रकार जो तुम कह रहे हो कि आत्मा नहीं है उसी से सिद्ध होता है कि आत्मा है,
क्योंकि नहीं तो तुम कह नहीं पाते, जान नहीं जान पाते, इसीलिए बोलते हैं न च तत्ष्टु शक्त, ये हमारा अभिष्ट ये नहीं कह सकते। आत्मा निराकरण से आत्मा को निराकरण करना दुष्करता कठिन होने के कारण न निरा, क्योंकि निराकर तो एवं आत्मा, तो निराकरण करने वाले का निषेध करते करते निषेध करते करते सब कुछ निषेध करते, बाहरी वस्तु ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। ठाकुर जी का भी है माँ, जो जिसको हम फिर ये ले लो तुम्हारा ये सब ले लो, फिर जिसको हम नहीं दे सकते वो तुम होकर के यहाँ बैठो, मतलब जिसको हम निराकरण जिसको हम नहीं दे सकते सब ले लो तुम, पर जिसको नहीं दे सकते तुम्हें क्या नहीं दे सकते, जो हमारे स्वरूप वो तो तुम होकर के यहाँ बैठे हुए उसको हम नहीं दे सकते, उसको हम नहीं दे सकते, इसलिए हम बोलते हैं निराकर्तु रे वात्म, मतलब निराकरण करने वाले का स्वरूप भूत है, स्वरूप भूत होने का उसको निराकरण नहीं कर सकते। वहाँ पे पाँच नंबर टिप्पणी में देखेंगे आत्मा निराकरण स्थिति निराकर्ता ही प्रष्टव्य तम आत्मा नवायति, निराकरण करने वाला आत्मा नहीं है उसको पूछो तुम हो कि नहीं हो, है ना, बोलते निराकर्ता ही प्रश्न, निराकरण करने वाला प्रष्टव्य उसको पूछना चाहिए। तम आत्मा नवायति मतलब तुम अपने को मैं करके बोलते हो कि नहीं बोलते हो, न असो न इति न असो न इति ब्रुयात, मतलब नहीं नहीं मैं नहीं हूँ ये बात नहीं है, मैं नहीं ये बात नहीं है कभी नहीं बोल सकता, इसीलिए भी अनात्मत्वम भिया, क्योंकि तब अपना अस्तित्व ही खो जाएगा, अनात्मत्व भिया मतलब क्या हो जाएगा, डर लग गया था कि तो अपना अस्तित्व ही खो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ तुम जान करके नहीं बोल रहे तुम्हारे जो उसी भी चीज़ जाहिर करते एक कमरे में आपने गया कुछ भी नहीं है वहाँ, तब आपको जो है अच्छा वहाँ पे कौन था कुछ देखा, बोलते कुछ नहीं था वहाँ, परंतु जो कुछ नहीं था समझने वाला था कि नहीं था वहाँ, वही मैं ही बोल रहा हाँ, वही चिन्मयानंद समझे वाले मजे से समझाते थे सामान्य व्यक्ति के लिए, क्या है ये क्या है अब क्या है, सामान्य व्यक्ति कुछ नहीं है, अरे बुद्धू हाथ नहीं है ज्योतिष्ठान वहाँ पर नहीं जाए, इसीलिए आपको बोलते हैं कि आत्मा निराकरण से आत्मा निराकरण सिद्ध निराकरते प्रष्टत्व निराकरण करने वाला पूछना चाहिए, तुम आत्मा न भाई तुम अपने मैं अथवा करके समझते मैं नहीं समझता, न सो न इति प्रिय नहीं नहीं मैं नहीं हूँ ऐसा कभी नहीं बोल सकता है, किंतु अनात्मा तो भी आपके अस्तित्व स्वरूप का खो जाएगा इस भावना से अस्तित्व इति दुष्शक्यम आत्मा निराकरण से लिया जाए, आत्मा को निराकरण करना अत्यंत कठिन है। आज जो है पहले वाला प्रणत भयभिहन्त्री ब्रह्मयत